Hello, myself Dr. Krishan. I am ENT surgeon based in Delhi and also I am co-convener Indian Medical Association JDN Delhi chapter. आज हम बात करेंगे कि कान के ऑपरेशन के बाद जो सावधानियां डॉक्टर्स बताते हैं और कान के ऑपरेशन के बारे में थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे बेसिकली. सो कान के जो ऑपरेशन होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक सुन करके होते हैं, एक बेहोश करके होते हैं. तो दोनों में सावधानियां और दोनों में जो हैं थोड़े से डिफरेंसेज हैं. सबसे पहले सावधानियां जो हम पेशेंट को बताते हैं उसको थोड़ा विस्तार से हम आज बात करेंगे. जब आपका ऑपरेशन हो गया है, कान के जनरली दो ऑपरेशन होते हैं, एक मेन ऑपरेशन जो मोस्ट ऑफ द जगह होते हैं वो ये होते हैं, टिम्पेनोप्लास्टी होता है. टिम्पेनोप्लास्टी का मतलब कान के पर्दे का छेद का रिपेयर, उसके साथ साथ हड्डियों का एक बार असेसमेंट या उसमें रिपेयर. दूसरी चीज़ मैस्ट्रॉइड एक्सप्लोरेशन, मतलब बीमारी जब ज़्यादा गंभीर हो, मैस्ट्रॉइड बोन मैस्ट्रॉइड रीजन में इन्वॉल्व हो, तो उसको हम मैस्ट्रॉइड कैविटी में इन्वॉल्व हो, तो उसको जब हम बेहोशी में करते हैं उसको मैस्ट्रॉइड एक्सप्लोरेशन करते हैं. कुछ जब बीमारी कम होती है तो हम सुन करके भी कर लेते हैं ये ऑपरेशन. तो ये चीज़ है बेसिक डिफरेंस. और दोनों की ऑपरेशन करने के बाद कुछ सावधानियां बरती जाती है. जैसे कि अगर टिम्पेनोप्लास्टी का जो ऑपरेशन होता है उसमें पट्टी अगले दिन सुबह निकाल दी जाती है, और जब मैस्ट्रॉइड एक्सप्लोरेशन होता है तो दूसरे दिन निकालते हैं पट्टी. नॉर्मल पट्टी निकालने के बाद बैंडेड ड्रेसिंग और जो टाके वगैरह जनरली कान के ऑपरेशन में 10 दिन के बाद टाके काटते हैं. अब सावधानियां की बात करें हम, तो जब पेशेंट को जो सावधानियां बताते हैं, जो भी पेशेंट इस वीडियो को सुन रहे हैं वो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें. सावधानियां बरतनी क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे. एक्चुअली क्या होता है कि कान का ऑपरेशन है, इसमें हमने पर्दा जो लगाया है उसको बस रखा है, उसको सपोर्ट दिया. ऐसा नहीं है कि उसको टाके से सीला है ताकि तुम कितना भी लाओगे, आप कितना भी लाओगे वो अपनी जगह से जाएगा नहीं. तो हमने बस रखा है, सीला नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है. इसलिए सावधानियां बरतना ज़रूरी है. तो हमने रखा है, अब उसको क्या है, अगर आप सावधानियां नहीं बरतोगे, कान के जो बीच वाला जो कान का पार्ट है मिडिल ईयर और बाहर का जो पार्ट है एक्सटर्नल ईयर, इनके प्रेशर अगर थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी तो वो पर्दा कहीं भी हो सकता है, वो मिडिल ईयर की तरफ गिर जाए या इधर डिस्प्लेस हो जाए और पर्दा अपनी जगह फिट नहीं हो पाएगा और फिर ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं होगा. ये मेन रीज़न है. ये शायद ही आपको कोई डॉक्टर बताएगा क्योंकि बीसी हॉस्पिटल में इतना बताने का टाइम नहीं होता. तो ये वीडियो से आपको समझने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी, ये चीज़ है. तो आपको इसलिए बरतना. प्लस जब भी ऑपरेशन, जैसे टिम्पेनोप्लास्टी जैसे ऑपरेशन का जो सक्सेस है ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, ये केवल सर्जन पे डिपेंड नहीं करता, ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. इसमें दो है, एक सर्जन फैक्टर और एक पेशेंट फैक्टर. पेशेंट फैक्टर में ये सावधानियां जो ज़्यादा अच्छे से बरतते हैं, मैंने अपने पेशेंट में देखा है जो अच्छे से सावधानियां बरतते हैं उनके, इवन अगर ऑपरेटिव जगह उतना मतलब अच्छे से लगाया नहीं गया हो या फिर कई बार कि नहीं लग पाता क्योंकि उस मिडिल ईयर में स्पेस और काफ़ी इश्यूज़ होते हैं. सो अगर नहीं लग पाया तो भी अगर पेशेंट सावधानियां अच्छे से बरते तो पर्दा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सो सावधानियां बरतना इसलिए ज़रूरी है. अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि सावधानियां बरतना क्यों ज़रूरी है. तो अब बात करेंगे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए. एक तो कि ऑपरेशन के बाद जब आप सोएं तो आप जब, और ये सावधानियां कब तक बरतनी चाहिए पेशेंट ये भी पूछता है, तो 1.5 से 2 महीने तक ये सावधानियां बरतनी चाहिए. उसके बाद आप नॉर्मल लाइफ नॉर्मल चीज़ें कर सकते हो. सो जब आप सोते हो तो या तो आप नॉर्मल सर के बगल लेट के सो, या तो जिस साइड का ऑपरेशन कान नहीं हुआ है उसकी तरफ होके सो सकते हो. मतलब जो ऑपरेशन का कान है उसको ऊपर रखना है. क्यों ऊपर रखना है, क्योंकि वो पर्दा कई बार नीचे रखने से ग्रेविटी का रोल होता है, गुरुत्वाकर्षण का रोल होता है, उसकी वजह से भी पर्दा थोड़ा अपनी जगह से डिस्प्लेस हो सकता है. ये चीज़ समझने की बात है. उसके बाद जब भी आपको इनकेस कोशिश करें ऐसी चीज़ों से बचें जिससे छींक या सर्दी खांसी हो सकता है, क्योंकि आप सबको पता है कान नाक और गले को कनेक्ट करने वाली एक ट्यूब होती है जिसको यूस्टाचियन ट्यूब बोलते हैं. वो अगर गले का इन्फेक्शन है तो भी वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा, प्लस इन्फेक्शन कान में जा सकता है जिससे कि ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं होगा, ऑपरेशन खराब हो सकता है. सिमिलरली नाक से भी इन्फेक्शन जा सकता है और प्रेशर डिफरेंस भी क्रिएट कर सकता है. जब भी हमको सर्दी हो जाता है या नाक बंद हो जाता है तो जो मिडिल ईयर का प्रेशर है वो काफ़ी इफेक्टेड हो जाता है, वो कम हो जाता है, तो वो पर्दा अपनी जगह से डिस्प्लेस हो सकता है क्योंकि अभी क्या है ऑपरेशन में हमने नया पर्दा लगाया है. अब इसके बाद क्या होता है कि ये चीज़ बात तो हो गई आपकी कि आपको सर्दी खांसी से बचना है. अगर सर्दी खांसी हो जाए तो आपको डॉक्टर को दिखाना है और डॉक्टर के द्वारा दवाई लेनी है. और जब भी आप जैसे कोई जोर लगाने वाली चीज़ें ना करें, जैसे बहुत भारी सामान ना उठाएं ऑपरेशन के बाद 2-3 महीने तक. जब आपको कब्ज वाली शिकायत है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो बहुत जोर नहीं लगाना है, उसकी दवाई लेनी है, ठीक है. ये कुछ सावधानियां होगी. इसके साथ साथ आप तेज वाहन से ना ट्रेवल करें,
एटलीस्ट 2 से 2.5 महीने आप तेज वाहन से ना ट्रेवल करें, स्पेशली उस वाहन से ना ट्रेवल करें जिसमें झटके लगते हैं, उसमें भी पर्दे अपने जगह से हिलने का चांसेस होते हैं। साथ साथ आप फ्लाइट में ना ट्रेवल करें, एयरप्लेन में। एयरप्लेन में क्या होता है, एयरप्लेन में प्रेशर डिफरेंस का, जब एयरप्लेन जब एसेंड करता है, जब टेक ऑफ करता है तो उसमें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, उस प्रेशर डिफरेंस से भी पर्दे अपने जगह से हिल सकते हैं। तो 2 से 2.5 महीने ये काम ना करें। इसके साथ साथ आपको हमेशा ऑपरेशन के बाद लगता है कि कान में कुछ चिपचिपा सा है, कुछ पटपट आवाज आ रही है, वो कुछ टाइम तक रहेगा, वो ऑपरेशन में दवाई डाली गई है उसी की वजह से होता है। खुजली वगैरह रहती है तो उसके लिए आपके डॉक्टर ऑलरेडी दवाई दे चुके होते हैं, हम अपने पेशेंट को दे चुके होते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ और सावधानियाँ हैं कि अगर आपको नाक बह रहा है या कुछ हो रहा है तो उसको नाक साफ करने की, ऐसे करके पेशेंट साफ करने की आदत होती है, वो ना करें। क्यों ना करें, क्योंकि साफ करेंगे तो भी प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा जो कि स्ट्रेचिंग ट्यूब से मिडिल ईयर प्रेशर चेंज करेगा और उसकी वजह से पर्दा अपनी जगह से हिलने का और ऑपरेशन के फेल होने का चांसेस रहता है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको जो अगर मुंह में नाक में ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं तो आपको उसको मुंह के रास्ते उसको अंदर निकल लेना है और मुंह के रास्ते उसको निकाल देना है, ठीक है, ये हो गई। और साथ साथ आपको अगर कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो, वैसे दर्द की दवाई आपके डॉक्टर दिए हैं, बट बहुत ज़्यादा दर्द हो, बहुत असहनीय दर्द हो, तो आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ऑपरेशन के बाद टॉयलेट बाथरूम जा सकते हो, बहुत अचानक से मत उठो, नहीं तो फिर चक्कर वगैरह आ सकती है, धीरे धीरे करके ही उठें। और बाथरूम जाने से ऑपरेशन कुछ 2-3-4 दिन मतलब 1 वीक तक बाथरूम जाते समय किसी की ज़रूर हेल्प लें, अकेले ना जाएं, क्योंकि अगर आपको चक्कर आया तो आप गिर सकते हो और आपको और चोट लग सकता है, प्लस पर्दा तो अपनी जगह से हिल ही जाएगा। इसके साथ साथ आपको अगर कान में अगर जैसे कि होता क्या है कि कई बार हम कान में वो ऑपरेशन करते हैं जिसमें हम अंदर सबसे अंदर का ओवल विंडो वगैरह में कुछ मैनिपुलेशंस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें पेशेंट को चक्कर आने के चांसेस होते हैं। जब हम स्टेपेडेक्टमी वाली सर्जरी करते हैं, जब हड्डी ख़राब हो चुकी होती है, मतलब हड्डी में फाइब्रोसिस हो चुकी होती है, और तो उन सब बीमारियों में जब स्टेपीज हड्डी ख़राब हो चुकी होती है तो हम स्टेपेडेक्टमी ऑपरेशन करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें पेशेंट को चक्कर वगैरह आने के चांसेस रहते हैं। सो आपको क्या करना है कि उसमें आपके डॉक्टर चक्कर की दवाई देंगे और उसमें भी आपको सर थोड़ा धीरे धीरे उठाना, ये नहीं कि अचानक से बेड से नहीं होता, आप अभी नॉर्मल नहीं हो, अभी आप नॉर्मल हो रहे हो धीरे धीरे करके। और मैं आपको बोलूँगा कि बाल आप किताबों में तो ये लिखा है कि आप ऑपरेशन के 10-15 डेज बाद बाल धो सकते हो, बट हमारी इंडियन सेटिंग्स में क्या होता है, पानी उतना हाइजीनिक नहीं है, कंटामिनेंट्स होते हैं जो कि कान में अगर अंदर चले गए तो इन्फेक्शन होते हैं, इसलिए हम पेशेंट को बेटर होते हैं एडवाइस करते हैं कि 1 मंथ तक आप बाल ना धोएं। अगर बाल धोना भी है तो जो ऑपरेशन का कान है उसको नीचे करके ऐसे बाल धोएं ताकि उसके अंदर ना जाए, और अननेसेसरी कान में कोई भी रुई कुछ ना डाले, कोई उंगली ना डाले किसी ऑपरेशन के कान को, कभी ऐसे ना करें, एटलीस्ट 2-3 महीने उसके बाद भी नहीं करना चाहिए, लेकिन 3 महीने तो मत ही करिए कि कुछ डाल रहे हैं, क्योंकि उससे घाव हो जाएगा, प्लस उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है, कॉटन खराब हुआ है, इन्फेक्टेड है, खराब है, उससे इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये सावधानी से इस सावधानी को भी आप बरतेंगे। और बाकी आप टाके का भी ध्यान रखें कि टाके ख़राब ना हो, टाके इन्फेक्ट ना हो, टाके पे लगाने की जो दवाई दी होती है उसको सैनिटाइजर से हाथ धोकर लगाएं ताकि इन्फेक्शन ना हो। इसके साथ साथ बाकी कुछ और भी सावधानियां छोटी मोटी शायद रह गई होगी, वो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे। और मैं अपने पेशेंट्स को इन सावधानियों की एक लिस्ट दे देता हूँ, मैं अगर कोई डॉक्टर कोई ENT के डॉक्टर सुन रहे हो इस वीडियो को, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा आप अपने प्रिकॉशंस को लिख लें और उसको एक पेपर पे लिख दें, पेशेंट को हमेशा डिस्चार्ज कार्ड के साथ दे दें, या ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट का जब इवनिंग राउंड्स लेते हैं तो दे दें। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा, कंप्लायंस बढ़ेगा और रिजल्ट टिम्पैनोप्लास्टी के बेटर होते हैं। इसके साथ साथ और भी मैं बोलूँगा कि जब ऑपरेशन हो गया है तो पेशेंट बोलते हैं कि हमारी पर्दा ठीक है, कुछ टाइम तक आपके पर्दा नहीं दिखेंगे क्योंकि उसमें दवाई भरी गई है, उसे अपने आप डिसॉल्व होने दें, अगर नहीं तो आपके नहीं तो उसे एक्टिवली जनरली हम नहीं निकालते, लेकिन कुछ टाइम बाद निकाल सकते हैं। तो अब उसमें निकाल सकते हैं, तो अब इसमें क्या होता है कि हम 1.5 महीने के बाद जनरली सुनाई की जांच करते हैं, उसमें पता चलता है पर्दा अपनी जगह लग गया और पर्दे को हम माइक्रोस्कोप के अंदर और वैसे भी देख सकते हैं। सो अगर आपका कान का ऑपरेशन
हुआ है या होने वाला है, तो ये सावधानियां ध्यान में रखें और इसको बरतें, रिजल्ट्स अच्छा रहेगा।